हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजनत अकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी करनी है फिर से आपको। तो 2x माइनस 3y इक्वल्स मैं 6 ले लेता हूँ। क्या करेंगे, 3y को वहां भेज रहा हूँ, 2 को नीचे भेज रहा हूँ। तो x जो वेरिएबल है वो इक्वल आ गया 6 प्लस 3y डिवाइड बाय 2। ठीक है सर, सॉल्यूशन पॉइंट बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, एक मिनट को एक्स वाई। ठीक है, अब देखना वाई की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ 0, तो ये पूरा 0 हुआ, और 6/2 क्या होता होगा, 2 3 जा, तो ये 3 हो गया। अगर वाई की वैल्यू मैं करता हूँ 1 पुट, नहीं 2 करेंगे, तो 2 3 जा 6। ठीक है, 2 कर दो, वाई की वैल्यू 2 रख दो, 2 3 जा 6, 6 6 12, 12 को 6 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, क्या हो गया 3,0 6 कॉमा। ग्राफ बनाओ इसका, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये 0 0 है, ये 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1 2 3 4 5, 3,0 तो ये होगा आपका पॉइंट इस जगह पे, 6,2 तो ये 6 और ये 2, इस जगह पे आएगा पॉइंट आपका 6। तो देखो कैसे जाएगी लाइन, दिस दिस दिस, ठीक है, किसकी लाइन है ये, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 के लिए। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब मैं कह रहा हूं आपसे, हम पॉइंट लेंगे वी टेक 0 0 ऑन इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी पे मैं 0 0 ले रहा हूं, यानी 2 0 माइनस 3 0 इज ग्रेटर देन 6। तो 0 जो है वो ग्रेटर देन 6 होता है क्या, नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स आती है, आपके सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे, ओरिजिन से दूर जाएंगे, ओरिजिन से दूर जाएंगे, ठीक है, बाहर की तरफ। तो हमने क्या देखा, हैंस सॉल्यूशन रीजन इज द, सॉल्यूशन रीजन इज, क्या कह रहा हूं मैं, सॉल्यूशन रीजन इज शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन बिलो, देखो इस बार ये अबव होता है, ये बिलो द लाइन एंड ऑल्सो ऑन द लाइन। तो इसके लाइन के ऊपर वाले भी आपके सॉल्यूशन है, और इस लाइन के नीचे जो बिलो वाला पोर्शन है, शेडेड पोर्शन, वो भी आपका सॉल्यूशन रीजन है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वाले में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस लिए।